तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल देखो टेक सफर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ना कि क्या दोस्तों आपका भी यहाँ पे जो Google Pay एप्लीकेशन है वो ओपन नहीं हो रहा, खुल नहीं रहा है, आपके साथ दिक्कत आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को कर लेते हैं शुरू और समझ लेते हैं पूरा तौर तरीका कैसे कैसे क्या किया जाता है। सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में चलना है, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में, और यहाँ पर सर्च कर लेना है लिख कर गूगल पे। जैसे आप लिख के सर्च करेंगे यहाँ पे गूगल पे वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है, जहाँ पे हमारा ओपन लिखा वहाँ पे आपको अपडेट लिखा होगा, तो अपडेट इसको ज़रूर कर लीजिएगा। अपडेट करेंगे तभी एप्लीकेशन ओपन होगी, नहीं तो ओपन नहीं होती, दिक्कत आती है। उसके बाद सेकेंड बात ध्यान यहाँ देना, आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना है और यहाँ चेक करना आपके फ़ोन का स्टोरेज कितना बचा है, खाली है। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे में 67 GB यूज है, बकिया हमारा जो है परसेंटेज में यदि देखा जाए तो 33% है वो हमारा स्टोरेज सेफ है, बचा हुआ है। तो जगह कम से कम 10% आपके स्टोरेज में होना चाहिए, तभी गूगल पे वगैरह जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है वर्क करती है, नहीं तो वर्क नहीं करती है। यदि इतना सारा कुछ आप फुलफिल करते हैं फिर भी नहीं ओपन हो रही है, तो आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद नीचे के साइड आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख गया था ऐप्स का, किसी किसी में मैनेज ऐप्स का, किसी किसी में ऐप मैनेजमेंट का, आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, हमें मैनेज ऐप्स पर जाना है। मैनेज ऐप्स पर जाने के बाद आपकी सभी की सभी एप्लीकेशन यहाँ से शो कर दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे ढूंढ लेना है आपका गूगल पे कहाँ पे है, यदि यहाँ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ऊपर सर्च का ऑप्शन सर्च में लिखना है आपको गूगल। जो लिखेंगे गूगल तो यहाँ पे गूगल पे आ जाने वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ गूगल GOOGLE गूगल पे। तो गूगल पे नाम से नहीं आ रहा, केवल हम यदि पे लिखें, ठीक है। देखिए जीपे इसका नाम है, तो आपको सर्च करना होगा जीपे, ठीक है, इस नाम से ऐप है जीपे। आ गई हमारी गूगल पे एप्लीकेशन। अब हमें इसे क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपको सबसे पहले तो यहाँ पे चेक कर लेना है यहाँ पे ऐप परमिशन में जाके कि सभी परमिशन अलाउ तो है ना, तो सभी परमिशन हमारा अलाउ है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे आ जाएंगे रिस्ट्रिक्ट डेटा यूजेज पे क्लिक करेंगे और दोनों तीनों पे चेक मार्क होना जरूरी है, तो मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे स्टोरेज पर जाएंगे। स्टोरेज पर जाने के बाद क्लियर डेटा का यहाँ पे ऑप्शन है, तो क्लियर डेटा आपको नहीं करना, ध्यान देना है। यदि कैश पे क्लिक करें क्लियर कैश हो जाए तो ठीक है, मैं क्लियर डेटा पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्लियर कैश आता है, यदि क्लियर कैश आए तो ओके कर दिएगा, ठीक है। लेकिन क्लियर डेटा यदि आप करेंगे ना तो आपका यहाँ पे दोबारा से अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगआउट ऑफ हो जाएंगे। तो क्लियर डेटा मत करिए, क्लियर कैश करिएगा, और उसके बाद यदि आप गूगल पे जो एप्लीकेशन इसको ओपन करेंगे ना तो 100% ओपन होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि फिर भी ऐप ना ओपन हो तो आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करने के बाद वापस से खोलना है, और खोलने के बाद अपना इंटरनेट बंद करके फिर से चालू करना है, और उसके बाद गूगल पे ऐप को आप ओपन करने का प्रयास करेंगे, 100% खुल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। और एक बात का भी ध्यान रखिएगा, आपके फोन में डेटा पैक है ना, इस बात को जरूर ध्यान करिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपकी गूगल पे एप्लीकेशन जो मैंने तरीका बताया आप यूज किए होंगे तो ओपन होने लगी होगी, कहीं कोई दिक्कत आए ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।